हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ सास बहू रसोई। और आज आप सोच रहे होंगे हम कहाँ गए। एज वी हैव प्रॉमिस्ड इन आवर प्रीवियस व्लॉग कि हम आपके लिए न्यू प्लेसेस ऑफ शिमला, न्यू प्लेसेस ऑफ हिमाचल एंड इवन हिली एरिया के जितने भी टेरेन्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ जो जुड़ी छोटी छोटी स्टोरीज हैं, और साथ में फूड तो रहेगा ही रहेगा। आज हम उस जगह पे आए हैं, दिस इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का सराउंडिंग है, और साथ में ये एक ऐसी सड़क है, ये तीन सड़कों पे बीच में एक सड़क है। जो पहली सड़क आती है वो नीचे सीधे अपना यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, सेकंड एडवांस स्टडीज़ की तरफ। बट ये सड़क ऐसी है, इस सड़क की एक बहुत छोटी सी और एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसी है कि कहा जाता है एक घुड़सवार, द ब्रिटिश हॉर्स राइडर, वो ब्रिटिश टाइम के, आज भी उनका स्पिरिट रात को इस रोड के ऊपर आता है समटाइम्स। और अगर कोई आदमी चल रहा हो तो ऐसा सुना गया है कि रात को वो उनसे सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर मांगते हैं या माचिस। तो अगर कोई लाइटर और माचिस प्रोवाइड करता है इट्स फाइन, अदरवाइज ही जस्ट स्लैप द पर्सन एंड उसके बाद वो बिल्कुल एकदम डिसअपियर हो जाते हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस रोड। और साथ में इसमें इतना लश ग्रीन फॉरेस्ट है, देवदार का पेड़ तो है ही है, मैक्सिमम जो यहाँ के ब्रास के फूल होते हैं जिसका रोडेंट स्क्वैश भी बनता है, इसके देखिए बहुत सारे ट्रीज, ये जितने ट्रीज हैं ये लीफ वाले हैं, ये वो सारे पेड़ हैं, इस पे रोडेंट स्क्वैश जो ब्रास के फूल के पेड़ हैं वो बनते हैं। एंड दैट इज गुड फॉर हार्ट, जो वो ब्रास का स्क्वैश होता है दैट इज गुड फॉर हार्ट। तो एज वी हैव प्रॉमिस्ड यू कि हम आपको फूड टिप्स, हेल्थ टिप्स देंगे। और साथ में आज हम जब इस ब्रिटिश एरा में पहुंच चुके हैं तो क्यों ना आपको एक यूरोपियन कुजीन का बहुत अच्छा फूड भी खिलाया जाए, जिसकी हमने पूरी तैयारी करके रखी है। So just stay tuned with us and let's go. So now friends, as जैसे मैंने आपको बताया था कि आटे का, ये देखिए आटे का डो बनाएंगे। होल मील है, आटा है, प्रोटीन है, बहुत सारी और न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें होती हैं, मैदे से बहुत बेहतर है। तो now my wife will better half will start with friends। आटे का डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम आटा लिया है, सीजनिंग ली है, पिज्जा सीजनिंग्स हैं, सॉल्ट लिया है, यीस्ट लिया है और वाटर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे गरम पानी लिया है, गरम पानी में हम यीस्ट डालेंगे और यीस्ट को एक्टिवेट करेंगे। ये मैंने 1/2 टीस्पून यीस्ट डाला है और इसमें अ पिंच ऑफ शुगर ऐड डालूंगी, सिर्फ पिंच शुगर डालूंगी और इसको 5 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा एक्टिवेट हो चुका है वाटर, अब हम इसको डो में डालने के लिए ये तैयार है। तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट का डालेंगे और 1 टीस्पून में सीजनिंग का डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब धीरे धीरे करके इस वाटर को हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा वाटर और ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अब यहाँ तो हमने इसको अच्छे से नीट कर लिया है, लेकिन अब इसको हम किचन टॉप पे ले जा करके इसको अच्छे से, इस तरीके से इसको हमने नीट करना है, बहुत अच्छे से गूंदना पड़ेगा और थोड़ा 5-7 मिनट तक हमें इसी तरीके से इसका प्रोसेस करना है, इस तरीके से, तभी ये अच्छे से इसका फ्लफी होगा ये आटा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने हाथ में, इस ऑयल से हम इसको और अच्छे से नीट करेंगे, ऑयल लगाएंगे हाथों में और फिर इसको अच्छे से नीट करेंगे आटे को। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इसकी नीटिंग हो रही है इसमें, और बहुत ही बढ़िया गूंथा जा रहा है आटा। सबसे बड़ी बात है इसमें जो सीजनिंग फ्लेवर्स और वो सारी चीजें हमने डाली हैं,
उससे जो फ्लेवर आएगा पिज्जा का दैट विल बी सो इम्प्रेसिव, इतना डिलीशियस होगा, जो उसका फ्रेग्रेंस होगा दैट विल बी वंडरफुल वंडरफुल। और देखिए गुस्सा भी आ रहा हूं, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जोर जोर की आटे पे मारिए, घर पे किसी के साथ मत मारिए, खासकर पति को कभी मत मारिए, आटे को मारिए इस तरीके से, जोर जोर की मारिए, जोर जोर की मारिए। देखिए फ्रेंड्स क्या धुलाई हो रही है आटे की, बच गया आज, आटा आ गया काबू में। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बहुत अच्छा ये गुन चुका है। अब इसको इस बॉल के अंदर 7 से 8 घंटे के लिए रखा जाएगा और उसके बाद ये डो बहुत अच्छी तरह फूल के तैयार हो जाएगा। और वैसे एक जनहित में जारी सूचना ये है कि कभी भी घर में पत्नी को गुस्सा आए तो उसको पिज्जा बनाने के लिए लगा दो, पिज्जा भी खाने को मिल जाएगा और गुस्सा भी चला जाएगा। टिप, हेल्थ टिप ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स हमारा ये आटा भून के तैयार हो गया, पिज्जा का डो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें ये जाली आ रही है। ये हमारा आटे का डो पिज्जा के लिए तैयार हो चुका है। अभी इसी आटे का पिज्जा मैं आपको बना के बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अब ये मैंने आटा ले लिया है और इसको इस तरीके से मैं गोल गोल बॉल बनाऊंगी, राउंड शेप दूंगी। और राउंड शेप देने के बाद हम इसको जैसे हम एक चपाती को बेलते हैं उसी तरीके से हम इसको भी बेलेंगे। और फ्रेंड्स देखिए मजे की बात यह है, नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी फास्ट फूड सेंटर में, बहुत बड़े बड़े हैं 5-स्टार होटल्स में, इवन स्मॉल फास्ट फूड सेंटर्स में, आप कहीं भी जाइए खाइए, आपको मोस्टली जो डो मिलता है बना हुआ वो आपको मिलता है मैदे का। और मैदा तो बहुत रिफाइंड फ्लोर होता है, दैट इज नॉट न्यूट्रिटिव, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो आटे से बनाने का फायदा ये है कि इससे न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी पूरी प्रॉपर प्रिजर्व रहती है। तो फ्रेंड्स ये तंदूर की ट्रे ली है, इसमें मैंने पिज्जा बेस डाल दिया है, इसके ऊपर ही मैं साथ ही सॉस डाल दूंगी, सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको पिज्जा सॉस बनाना भी बताऊंगी कि पिज्जा के लिए अगर हमने घर पे ही सॉस बनानी हो तो वो किस तरीके से बनाएंगे। एंड दैट विल बी मोर न्यूट्रिटिव, जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह सॉस में होते हैं फ्रेंड्स वो नहीं होंगे। तो हम बहुत ज्यादा ये ध्यान रख रहे हैं अपनी हर कुकिंग के साथ, हम ये बढ़ रहे हैं कि आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और हेल्थ कॉम्पोनेंट है वो बरकरार बना रहे। और चीज भी डालेंगे, चीज भी अगर एक मॉडरेट, एक थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लिया जाए तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, इसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी के फैट्स होते हैं और साथ में प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है। ऑनियंस एज सच यू नो इट्स अ प्रीबायोटिक्स, और शिमला मिर्च है, विटामिन्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स के लिए हमने मशरूम डाला है। तो एवरीथिंग जो एक फूड होता है वो सारा होल मील फूड होता है, सिर्फ ये है क्वांटिटी ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ओवर डोजेज किसी चीज की नहीं रहनी चाहिए, दैट इज अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग। और अब टोमेटो भी जा रहा है, लाइकोपिन भी मिलेगा आपको, सो बहुत न्यूट्रिशियस है। आपके डिपेंड करता है आप किस क्वांटिटी में खा रहे हो, हर फूड बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, सिर्फ ये है कि मैदा है वो रियली इट इज मतलब बहुत ज्यादा हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि करें, तो आप आटे का यूज कीजिए। और भी बहुत सारे देयर मेनी फ्लोर्स हैं वो करके आप उसका कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये तंदूर के अंदर ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, अब हम इसे हीट करेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे तंदूर में कि इसकी ब्राउनिंग अच्छे से हो रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स देखिए पिज्जा बनके रेडी है, ये आटे के बेस का बना हुआ है और अब इसमें हम सीजनिंग्स ऐड करेंगे फॉर फ्लेवर। इसमें ओरिगेनो प्लस अदर 1-2 रोजमेरी और ये सीजनिंग्स हैं इसमें साथ में डली हुई, और अब इसको कट करेंगे इस कटर से, रोलर कटर होता है, देखिए कितना खूबसूरती के साथ कट होता है, धीरे कितना अच्छा कट हुआ है, कितना बढ़िया चीज बन के निकल के आ रहा है इसमें से, एंड इट्स रेडी फॉर टेस्टिंग नाउ। और अब हम टेस्टिंग करवाएंगे इसका और बताएंगे जो टेस्टिंग करेंगे कि स्वाद इसका कैसा है। नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम, अब हम पूछते हैं जीजा जी से कैसा है ये खाना, कैसा लगा आपको टेस्ट, हाउ इट्स फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं आप? अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग।
एक एक इंग्रेडिएंट का टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, प्लस जो एक एक चीज इसमें डली हुई है, वेजिटेबल्स वेजीज जो भी हैं। अच्छा, कुछ इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस पता लग रहा है? जैसे जो मैदे वाला पिज्जा होता है, जो पिज्जा हम खाते हैं, जो बाजार में खाते हैं, और इसमें कुछ फ्लेवर का डिफरेंस है या कुछ, मतलब कैसा रेट करेंगे, कैसा आपको, हाउ यू आर फीलिंग? मैं ये करूंगा कि जो बाजार वाला पिज्जा होता है उसके कंपैरिजन में इसको मैं 10 रेट कर सकता हूं। ओके, बहुत अच्छा है। मींस इन अ हेल्थ वाइज करके या टेस्ट वाइज कैसा? टेस्ट वाइज प्लस हेल्थ वाइज दोनों अच्छा लगा, बेटर लगा, बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, ही लाइक्ड इट वेरी मच। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए इसको, और ऐसी ही वंडरफुल डिशेस को आप देखने के लिए और खाने के लिए अपने घर पे तैयार करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देते रहिए। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे न्यू न्यू चीज़ों की, नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको चीज़ें लाने की। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी एक नई डिश के साथ। थैंक्स अ लॉट।